केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रांची जिले में गेल कंपनी द्वारा स्थापित सीएनजी सेंटर का किया ऑनलाइन उद्घाटन। बोकारो में वेदांता द्वारा निर्मित अस्पताल का सीएम ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज भाजपा विधायक अमर बाउरी बैठे धरने पर। अनलॉक 2 में झारखंड के लोगों को और राहत मिलने की उम्मीद। सीएम की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में होगा इस पर फैसला। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक ने जारी किया आदेश। मिड डे मील के बैंक खातों में होगा जीरो बैलेंस। बची हुई राशि राज्य स्तरीय बैंक में होगी जमा। छतरा में आइसोलेशन वार्ड में नियुक्त सीआरपीएफ 190 बटालियन के दो जवानों ने एक दूसरे पर की फायरिंग, दोनों की मौत। निर्वाचन आयोग ने सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा को राजनीतिक दल के रूप में किया पंजीकृत। रघुवर दास ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जेपीएससी में मेरिट रद्द होना सरकार की नाकामी, मामले की हो सीबीआई जांच। किसी छवि रंजन ने जारी किया आदेश। रांची में अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक। अवैध खनन को रोकने के लिए जिला खनन पदाधिकारी को औचक निरीक्षण का निर्देश। धनबाद पुलिस ने कोयला डिपो पर की छापेमारी, 3 गिरफ्तार। रांची में बाल सुधार गृह में शराब पार्टी मनाते नाबालिगों का वीडियो वायरल। छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।